इस वीडियो में हम जानेंगे कि चाइना के साथ क्लोज टाइज किस तरीके से मालदीव्स की इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये मालदीव्स के प्रेसिडेंट्स की लिस्ट है। अभी मालदीव्स के करंट प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद मुइज़्ज़ू। ये अपने प्रो चाइना स्टैंस के लिए जाने जाते हैं। इनसे पहले प्रेसिडेंट थे मोहम्मद सोली और उनसे पहले थे अब्दुल्ला यमीन। अब्दुल्ला यमीन भी प्रो चाइना थे। इनके टेन्योर में 2017 में मालदीव्स ने चाइना के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन कर लिया था। लेकिन यमीन के बाद प्रेसिडेंट बनने वाले मोहम्मद सोली ने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को स्टॉल कर दिया था। सोली जानते थे कि चाइना के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट मालदीव्स को इकोनॉमिक क्राइसिस की ओर ढकेल सकता है, इसलिए उन्होंने इस फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को वन साइडेड ट्रीटी कहकर रोक दिया था। लेकिन 2023 में सोली चुनाव हार जाते हैं और उनकी जगह मोहम्मद मुइज़्ज़ू मालदीव्स के प्रेसिडेंट बन जाते हैं। मुइज़्ज़ू के टेन्योर में मालदीव्स चाइना के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को वापस रिवाइव करने वाला है। इस फ्री ट्रेड अग्रीमेंट से मालदीव्स को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। समझते हैं कैसे। देखिए, मालदीव्स एक छोटा सा आइलैंड है, वहां ज्यादा कुछ प्रोडक्शन होता नहीं है, तो मालदीव्स एक इंपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी है। अब मालदीव्स चाइना से बहुत ज्यादा इंपोर्ट करता है और चाइना को बहुत ही कम एक्सपोर्ट करता है, तो इंपोर्ट्स ज्यादा हैं और एक्सपोर्ट्स कम हैं, यानी ट्रेड डेफिसिट है। 2022 के आंकड़े देखें तो मालदीव्स के चाइना से इंपोर्ट्स थे 3.5 बिलियन यूएस डॉलर्स और चाइना को एक्सपोर्ट्स थे मात्र 400 मिलियन डॉलर्स। मतलब उस साल 3 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा का ट्रेड डेफिसिट था। मालदीव्स की जीडीपी ही 6.5 बिलियन डॉलर्स के आसपास है और यहां हम कह रहे हैं कि एक साल में केवल चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट ही 3 बिलियन डॉलर्स का है। इससे आपको मालदीव्स और चाइना के बीच के ट्रेड इंबैलेंस का अंदाजा हो जाएगा। अब जब इतना ह्यूज ट्रेड इंबैलेंस एग्जिस्ट करता है तो ऐसे में चाइना के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन करना मालदीव्स के लिए इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन होने के बाद ट्रेड के टैरिफ्स और बैरियर्स हट जाएंगे और चाइना अपना सामान मालदीव्स में और ज्यादा डंप करने लगेगा। चाइना के इंपोर्ट्स में भारी सर्ज आ जाएगा, जिससे मालदीव्स का चाइना के साथ ट्रेड इंबैलेंस और ज्यादा बढ़ जाएगा। अब मालदीव्स के पास एक्सपोर्ट करने के लिए बहुत कुछ तो है नहीं, तो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के बाद भी मालदीव्स के चाइना को एक्सपोर्ट्स मोर और लेस सेम ही रहने वाले हैं। मालदीव्स के एक्सपोर्ट्स में कोई मेजर डिफरेंस नहीं आने वाला है। इस बात की पॉसिबिलिटी नहीं है कि फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के बाद मालदीव्स के एक्सपोर्ट्स में अचानक कोई सर्ज आ जाएगा, तो इसका मतलब हुआ कि मालदीव्स के एक्सपोर्ट्स रेवेन्यू में कोई सिग्निफिकेंट ग्रोथ नहीं होने वाली है। हाँ, लेकिन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट से मालदीव्स में चाइना के एक्सपोर्ट्स जरूर बढ़ जाएंगे। चाइना अपना सामान तेजी से मालदीव्स में डंप करने लगेगा, तो फायदा होना तो छोड़ दीजिए, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट से मालदीव्स को नुकसान होगा। मालदीव्स का एक्सपोर्ट रेवेन्यू तो सिग्निफिकेंटली बढ़ेगा नहीं, लेकिन इंपोर्ट एक्सपेंडिचर जरूर सिग्निफिकेंटली बढ़ जाएगा। ट्रेड डेफिसिट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और इससे मालदीव्स में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ जाएगी। अच्छा, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के बाद चाइना से जो सामान मालदीव्स आता है उस पर कस्टम ड्यूटीज भी नहीं लगेंगी, तो चाइना के गुड्स मालदीव्स के अंदर ड्यूटी फ्री एंटर करने लगेंगे, तो कस्टम ड्यूटीज से जो मालदीव्स को रेवेन्यू आता था वो भी गया। दूसरा, चीन से इंपोर्ट्स बढ़ेंगे और उनका पेमेंट करने से मालदीव्स के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स डिप्लीट होंगे और एक पॉइंट आ जाएगा जब इंपोर्ट डिपेंडेंट मालदीवियन इकोनॉमी के पास इंपोर्ट्स के लिए सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ही नहीं रहेंगे। याद है ना पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ क्या हुआ था। तो इतने सारे डेंजर्स के बीच ले दे के मालदीव्स का एक ही सहारा बचा, टूरिज्म सेक्टर। टूरिज्म सेक्टर इस छोटे से देश के लिए सिग्निफिकेंट रेवेन्यू जनरेट करता है। मालदीव्स की इकोनॉमी के लिए टूरिज्म सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन टूरिज्म बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। वहां कोविड पैंडेमिक जैसे शॉक्स आ सकते हैं। इस ग्राफ में आप देख पा रहे हैं कि जब कोविड के कारण लॉकडाउन्स लगे थे और टूरिज्म इंडस्ट्री को बहुत बड़ा झटका लगा था, तब कैसे 2020 में मालदीव्स का एक्सटर्नल डेट शूट अप हो गया था। यहां एक्स एक्सिस पर ईयर है और यहां वाई एक्सिस पर है एक्सटर्नल डेट जीडीपी का कितना परसेंट है। तो देखिए, जब कोविड पीक पे था तब मालदीव्स की एक्सटर्नल डेट 86% ऑफ द जीडीपी हो गई थी। वैसे तो आप देखेंगे कि साल दर साल एक्सटर्नल डेट बढ़ती जा रही थी, लेकिन कोविड के टाइम इसमें अचानक जंप देखने को मिला था। इसके काफी सारे रीजंस थे,
बट एक रीजन ये भी था कि टूरिज्म से रेवेन्यू नहीं आ रहा था। रेवेन्यू शॉर्टफॉल को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट को बोरोइंग्स बढ़ानी पड़ी थी। तो टूरिज्म सेक्टर अगर हिट होता है तो ये मालदीव्स की इकोनॉमी को नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। अब सोचिए, गुड्स और सर्विसेज के साथ अगर चाइना ने वुहान वायरस या इसके जैसे कोई डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स एक्सपोर्ट कर दिए तो इन दैट केस मालदीव्स की टूरिज्म इंडस्ट्री और कॉन्सिक्वेंटली मालदीव्स की इकोनॉमी को भारी झटका लगेगा। ये एक और चैलेंज है जिसकी पॉसिबिलिटी हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। क्लाइमेट चेंज से जो मालदीव्स को थ्रेट है, उसके जो इकोनॉमिक कॉस्ट्स होंगे, उसकी बात तो अभी हम कर ही नहीं रहे हैं। उस पर तो पूरी एक सेपरेट वीडियो बन जाएगी, क्योंकि क्लाइमेट चेंज तो मालदीव्स जैसे आइलैंड कंट्रीज के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। अभी पहले मालदीव्स आने वाली बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से तो निपट ले। मालदीव्स की एक्सटर्नल डेट बढ़ती चली जा रही है। मालदीव्स के लिए एक्सटर्नल पेमेंट लायबिलिटीज को मीट करना चैलेंजिंग होता चला जा रहा है। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के बाद मालदीव्स की गवर्नमेंट डेट और बढ़ेगी। अंत में मालदीव्स की सरकार को डेट लायबिलिटीज मीट करने के लिए एक्सटर्नल बोरोइंग्स और टैक्स इंक्रीज का सहारा लेना पड़ेगा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने तो वार्निंग भी दी है कि मालदीव्स के डिफॉल्ट का रिस्क बहुत ज्यादा है। अब आप समझे क्यों मोहम्मद सोली ने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को वन साइडेड ट्रीटी बताते हुए उसे रोक दिया था, लेकिन मुइजू इस स्टेप को रिवर्स करने वाले हैं। तो ये कहा जा सकता है कि मुइजू के शॉर्ट टर्म पर्सनल गेन के कारण मालदीव्स अब लॉन्ग टर्म नेशनल लॉस की तरफ बढ़ रहा है। मालदीव्स का एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी रेशियो बढ़ता जा रहा है। हालत ये हो चुकी है कि उधार को चुकाने के लिए मालदीव्स को और उधार लेना पड़ेगा। यही है डेट ट्रैप। पहले सरकार ने बोरो किया, पब्लिक रिसोर्सेज को प्रॉपरली मैनेज नहीं किया, डिजास्ट्रस पॉलिसीज की वजह से रेवेन्यू शॉर्टफॉल हुआ, उसे पूरा करने के लिए फिर और बोरो किया और एक विशियस साइकिल में फंस गए। मालदीव्स की डेट ऑब्लिगेशंस में चाइना का शेयर बढ़ता जा रहा है। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के बाद आने वाली इकोनॉमिक क्राइसिस से यह शेयर अनसस्टेनेबल लेवल्स तक पहुंच जाएगा और इसके बाद चाइना का खेल शुरू होगा, जहां पर मालदीव्स चाइना के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स के लिए काम करेगा। इसी को चाइना की डेट ट्रैप डिप्लोमेसी कहते हैं। चाइना की मालदीव्स में दिलचस्पी का कारण है इंडियन ओशन में मालदीव्स की स्ट्रेटेजिक लोकेशन। चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रेटेजी में मालदीव्स भी एक पर्ल है। अल्टीमेटली चाइना का एम है इंडियन ओशन में भारत की प्रेजेंस को लिमिट करके वाइटल शिपिंग लेन्स को कंट्रोल करना। इस काम में उनका साथ दे रहे हैं मालदीव्स के मौजूदा प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइजू। मुइजू की लीडरशिप में मालदीव्स काफी तेजी से चाइना के साथ अपने रिलेशन स्ट्रांग कर रहा है। हाल ही में मालदीव्स और चाइना ने बहुत सारे सेक्टर्स में कोऑपरेट करने के लिए कई पैक्ट साइन किए हैं और अपनी रिलेशनशिप को अपग्रेड किया है। इन पैक्ट्स में शामिल हैं इकोनॉमी, टूरिज्म और डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट। एक तरफ तो मालदीव्स गवर्नमेंट चाइना के साथ पैक्ट साइन करके अपने वाइटल टूरिज्म सेक्टर को बूस्ट करने की कोशिश करती है, वहीं दूसरी तरफ अपनी डिजास्ट्रस फॉरेन पॉलिसी के चलते भारत के साथ संबंध खराब करके खुद अपने टूरिज्म सेक्टर को रिस्क में डालती है। हाल ही में हुई कंट्रोवर्सी के बाद भारत सरकार ने लक्षद्वीप में टूरिज्म को प्रमोट किया था। मालदीव्स के एंटी इंडिया स्टैंड्स और इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट से नाराज होकर बहुत सारे इंडियंस ने अपने मालदीव्स के ट्रैवल प्लान्स कैंसिल किए थे। कुल मिलाकर मुइजू अपने मेंटोर अब्दुल्ला यमीन की गलतियां दोहराते हुए नजर आ रहे हैं। अगर वो इसी तरह से चलते रहे तो मालदीव्स की चाइना पे डिपेंडेंसी बढ़ती जाएगी, जिसके बाद देश में इकोनॉमिक क्राइसिस तय है। आई होप टाइम रहते बेटर सेंस प्रिवेल करे और मालदीव्स चाइना के इंडो पैसिफिक गेम का बस एक प्यादा बनकर ना रह जाए।